Assalamualaikum guys, I am your handsome fellow Tawhidul Sumo. Welcome back to another video. सबसे पहले आपको हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत बहुत बहुत मुबारक हो और शब बारात भी मुबारक हो। तो आज का वीडियो मेरा ऐसी टॉपिक के मुतालिक है कि हम जाएंगे ईद की शॉपिंग करेंगे और उसके बाद ईद को करेंगे सेलिब्रेट, तो इसीलिए मैं तुम्हें जा नहीं सकता। तो पहले हुलिया चेंज करेंगे और उसके बाद करेंगे शॉपिंग। तो मतलब हमें कुर्ते अवेलेबल नहीं है, वापस आना पड़ेगा। तो मरहबा पे एक कुर्ता नहीं मिला, अभी सामने एक शॉप है वहाँ जाके ट्राई करते हैं कि शायद, क्या नाम था ये आपको दिख रही होगी, यहाँ जाऊँगा और उसके बाद क्या चलते हैं। ये होता है सीन, आउटफिट हमें अभी नहीं मिला, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। लकीली मुझे मैग्नम मॉल के अंदर कुर्ते मिल जाते हैं लेकिन वो प्लेन होते हैं और मुझे चाहिए थे पैटर्न वाले, तो इसलिए अब हमें कहीं और जाना पड़ेगा। और वापसी में मुझे फरहान अली वायस की परफ्यूम दिखती है तो मैंने सोचा उनको भी चेकआउट कर लिया जाए। नसीब है क्या यार, यहाँ पर भी नहीं मिले मरहबा मॉल, आउटफिटर्स और मैग्नम मॉल में कुर्ते नहीं मिले, लेकिन मेरे माइंड में एक और जगह है जहाँ हमें कुर्ते मिल सकते हैं, तो अभी हम चलते हैं वहाँ। ओके, तो कुर्ता लेने बाद अपने घर जा रहा हूँ और उसके बाद मैं गया अपने घर। एक बात बता, बाइक चलाते वक्त रिकॉर्डिंग करना बाबा बहुत मुश्किल है। बाबा बाइक 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 बाल बना लूँ, ये तो मेरे बाल इतने सिल्की है कि बाल इतने सिल्की हैं कि बनते नहीं, लेकिन फिर भी काम चलाना पड़ता है। चाचू फाइनली घर पहुंच गया मैं, और अब मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा, फ्रेश होने के बाद मैं आपसे मुलाकात करता हूं क्योंकि थक गया, तो पानी वानी तो पी लें उसके बाद अपने वीडियो को करेंगे धमाकेदार। सो मेरी शब बारात के लिए और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन के मौके के लिए मेरे पास अच्छे खासे कपड़े जमा हो चुके हैं, शॉल मफलर वो भी मैं अरेंज कर लूँगा, मेरे पास एक पड़ी हुई है। और बात कुछ शॉपिंग करनी है, थोड़े से लवाजमात बनाने हैं उनके लिए, तो अब लगातार मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलता हूँ फ्रेश होने के बाद। फ्रेश तो मैं हूँ हमेशा की तरह, लेकिन तैयार होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, तो यहीं रहिए। एक मिनट, एक काम करते हैं, ट्रांजिशन रिकॉर्ड करते हैं। ओके, नेचुरल लाइटिंग में आ गए लेकिन ट्रांजिशन ऐसे मज़ा नहीं देता, लुक बिगड़ गया, अब फिर करता है ट्रांजिशन। 1 2 3 गया, बाल थोड़े बिखरे हुए हैं और कुछ नहीं है, बाकी अभी चले आपको मैं दिखाता हूँ बाकी सीन। तैयार होने के बाद काम से आया हूँ और अभी हम काम करेंगे, डक्कियाँ बच गए। सो अभी नमाज़ पढ़ के आया हूँ, इसका मतलब मगरिब हो चुकी है और ऑफिशियली 15 शाबान भी हो चुकी है, और इसका मतलब है कि आप सभी लोगों को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत बहुत बहुत मुबारक हो, शब बारात भी मुबारक हो। तो अभी मैं अपने रूम में पहुंच चुका हूं, मेरे बाल पता नहीं क्यों नहीं बन रहे, इतने सिल्की हो चुके हैं, लेकिन इसलिए एक जगह पे टिकते नहीं मेरी तरह। देखें कैमरा मैंने अपना किस तरह सजाया हुआ है, छोटा मोटा कैमरा लेकिन अच्छे से सजाया हुआ है मैंने। और मैंने आज की शाम के लिए दोपहर में काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी थी, वो ऑर्डर भी हो चुकी हैं और अभी कुक हो रही हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वो चीज़ें क्या थी और कितनी टेस्टी बनी है वो। और हाँ, एक और बात भी मुझे आपको बतानी थी कि यही कपड़े हैं जो कि हमने थोड़ी देर पहले बाय किए हैं, ये फिटिंग है मेरी, आगे इंजॉय करते हैं कुछ। और बाद में मुझे याद आया कि इमाम बागा पे अनाउंसमेंट हुई थी कि आज रात को इबादत होगी, तो उसके बाद मैं वहाँ चला गया और इबादत के बाद मैं अपने घर जा रहा था। सो गाइस, मैं अभी हो गया आया हूँ इमाम बागा से, सीन ये था कि इबादत कर रहे थे
तो हमें इबादत करनी थी, हमने नमाज पढ़ ली 10 रकातें, और उसके बाद ज़्यारत हुई अच्छी से, न्याज भी मिला मुझे, और उसके बाद अभी मैं घर आ रहा हूँ। लेकिन अब टाइम हो रहा है तकरीबन 1:33 हो रहे हैं, और अभी मैं घर आ गया हूँ और गेट खुलेगा, नॉक करना पड़ेगा, बाइक अंदर करनी पड़ती है क्योंकि रात का टाइम पता नहीं, भरोसा नहीं होता किसी पे भी। बस यही था मेरा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें, और ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के व्हाइट कलर कर दें, या फिर व्हाइट का है तो ब्लैक कर दें। और एक जरूरी बात, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, अली वारिस।